हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी हो रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी? एक मिनट देख के बताती हूँ मैं। अभी हो रहे हैं 8:40 एंड आई जस्ट फिनिश्ड वर्किंग। तो अभी मेरे बेटे ने मुझे बोला कि अम्मा हेल्प मी इन मेकिंग माय प्रोजेक्ट। तो मैं उसे ये कट, उसने प्रिंटआउट्स निकाले तो मैं उसको काट काट के ये पीसेस दे रही हूँ सो दैट वो अपने प्रोजेक्ट में स्टिक कर सके। ये उसका कोई प्रोजेक्ट है सोशल साइंस का, उसने बनाया है तो आई एम हेल्पिंग हिम एनी वेज। सो आज मैं सोच रही हूँ हम किस बारे में बात करें। वैसे माहौल तो ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि आज संडे है, टुडे इज 1 सितंबर। आप लोगों को पता है आज उस लड़की को गए हुए ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए हैं, अभी होने वाले हैं, 9 अगस्त को वो गई है एंड शी विल बी हर 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 फर्स्ट मंथ कंप्लीशन ऑफ हर लाइक यू नो डिमाइस इज ऑन 9 सितंबर। बहरहाल इसका कंक्लूशन क्या है? आज भी मैं देख रही हूँ सड़कों पे लोग हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सब हैं एंड सब यही कह रहे हैं वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस एंड ऑल दैट। मेरे बहुत सारे लोगों से बहुत शिकायत है कि वाई इट इज़ नॉट कमिंग एसैप एंड ऑल दैट, इतना क्यों? कैपिटल पनिशमेंट तो चलिए दूर की बात है, फास्ट ट्रैकिंग क्यों नहीं हो रहा है जल्दी से? और सीबीआई जो कर रही है रोज़ रोज़ जो छानबीन कर रही है, उसके अपडेट्स आम लोगों तक रोज जाने चाहिए सो दैट लोगों में जो ये जो कयास हो रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स ब्रूइंग एंड ऑल दैट, उन्हें उनका आंसर मिलता रहे। एंड ये सब छोड़िए भाई, हमें सल्यूशन चाहिए, हमें वी वॉन्ट एन आंसर, वी वॉन्ट अ सल्यूशन एंड दैट इज इट। एनी वेज, सो रास्ते में मुझे आज मैं एक एस्पेक्ट पे बात करूँगी। रास्ते में आज मुझे एक बच्चा दिखा 7 पॉइंट्स पे, वो भीख मांग रहा था मुझे, मतलब हमारा सिग्नल पे खड़ा हुआ एंड वो भीख मांग रहा था। और ये इंसिडेंट्स आज नहीं, कई बार होता है। सो आई हैव सीन पीपल गिविंग देम बेगर्स, उनको देते हैं पैसे या खाना या जो भी है, लेकिन दुख तब लगता है कि एक तो बेगरी हट जानी चाहिए, फिर भी एग्जिस्ट करती है विच इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट इज अगर आप रास्ते में देखते हैं, मैंने नहीं दिया उस बच्चे को, मैंने बोला आप स्कूल जाना, बोले नहीं हम स्कूल नहीं जाते हैं। उसके साथ वाला एक बच्चा आ गया अगरबत्ती बेचने के लिए, उसे उसकी मम्मी ने शायद 10 अगरबत्ती के पैकेट्स पकड़ा दिए थे। इंस्टेंट अगर वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए वो कर रहा है, बेच रहा है, तो मैं उससे अगरबत्ती खरीद के उसे दे सकती हूँ, लेकिन फ्री फोकट में पैसे देना सही नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मुझे ये, बहुत सारे भिखारी, मैंने ये भी बोला स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो कहते स्कूल जाके क्या करेंगे, कमाएंगे एंड ऑल दैट। ऐसे वाले एकदम प्रॉम्प्ट आंसर, स्पॉन्टेनियस आंसर वाले भी बच्चे मिल जाते हैं। ऐसे टाइम पे अगर कोई उनके, कई सारी ऐसे भी होती हैं कि जो गोद में बच्चा लेके आती हैं एंड ऑल दैट, वो भी मांगते रहती है, बच्चे भी मांगते रहते हैं, बिकॉज दैट्स द पेरेंट हु टीच देम कि जाओ मांगो। और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जब किसी के हाथ पैर सलामत होते हैं और वो किसी के सामने भीख मांगे तो। सो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा आप किसी को देखें, आप तो स्ट्रेट तो उसे मना ही कर रहे हैं कि नो वी कांट गिव, नहीं दे सकते, आप काम करो। फिर वो ये मैंने ऐसा भी बोल के देखा, तो उसके आंसर फिर पलटे में ये भी आंसर आता है मैम काम नहीं है। तो मैंने ये भी बोला मेरे घर में काम वाले की ज़रूरत है तो तू चल, तो बोले नहीं उतने दूर नहीं आ सकते। मतलब काम भी चाहिए, देखिए जिसको सच में सही मायने में काम चाहिए होगा ना, वो कंडीशंस नहीं लगा के बोलेगा मुझे यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे कंडीशंस लगा के नहीं बोलेगा, बस चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बेगरी अभी 2024 2024 चल रहा है, बिल्कुल इरेडिकेट हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इवन अगर कोई यूनियन भी, यूनियन मतलब कोई LGBTQ कम्युनिटी भी मांग रहे हैं, तो उन्हें तो बोलना चाहिए कि अब आप लोगों के पढ़ाई के लिए भी प्रावधान है, अब आप मांगना बंद करके आप कमाना शुरू कर दीजिए। कुछ ये बोलते हैं हम दुआ बद दुआ दे देंगे एंड ऑल दैट, वो सब
आई स्टिल बिलीव कि वो उसके डर से भी कई लोग दे देते हैं, वरना कोई किसी के गोद में आके बैठ जाता है तो वो शर्म से दे देते हैं एंड ऑल दैट. लेकिन मुझे लगता है उन्हें भी दे शुड ऑल्सो भी एम्पावर्ड विथ वर्क सर्विस एवरीथिंग, तो उनको भी ये बांटना देना ये जो है ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए. और उनके पेरेंट्स, कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो आके मांगते हैं साथ में, उन्हें तो कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप दे दिए तो वो रोज़ बोलेंगे और दो और दो और दो. तो ये जो हम लोग रात के 11 11 12 12 बजे तक जो खट के जो काम कर रहे हैं, तो हम वी आर आई वी फूल्स. आप भी काम करो ना. और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बड़ी क्लास की बात है. मैंने देखा है जो नहीं काम करना चाहते हैं ना, वो हमेशा ये बोलते रहते हैं हाय रे पैसे नहीं बने, हाय रे हमारे किस्मत में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते हैं. और जिसके पास काम है ना, वो काम करके ख़त्म नहीं कर पाएगा, वो काम करते करते हलकान हो जाएगा, है ना. जैसे कि हम लोग देखते हैं, और उसको भगवान देता भी है छप्पर फाड़ के, मतलब दिल खोल के, क्योंकि वो काम में उसको कोई संकोच नहीं है, वो कोई मतलब उसके मन में कोई कलेश या कोई कॉमा अपोस्ट्रोफी कुछ भी नहीं है, मतलब कोई शंका शुका कुछ भी नहीं है. बस उसको आप काम दे दो, आप उसके मुंह से ना नहीं सुनोगे. वैसे ही लोग फ्लरिश करते हैं. आई एम नॉट, मैं अपनी हम्बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेल्फ प्रोक्लेमिंग, बट कभी भी मुझे जैसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन अगर कोई कभी मुझे कुछ बोल दे कि सुकीति ये कर रहे हैं, नॉट जस्ट सिर्फ खाना बनाने वाली बात नहीं, कोई भी काम भले वो मुझे नहीं भी आए, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलती कि नो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ आउट ऑफ माई बॉक्स, आउट ऑफ माई स्कोप, मैं नहीं बोलती. आई ट्राई, मैं ना नहीं बोलूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी. नो इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, यू नो, वेरी नेगेटिव वर्ड. और अगर आप नो नहीं बोलेंगे ना, तो सामने वाला भी नो नहीं बोलेगा. ठीक है, ऐसा हमें लगता है कि हम जैसे होते हैं ना, हम मैनिफेस्ट भी वैसे करते कि हमें आसपास में लोग वैसे ही मिले, पॉजिटिव वाले मिले, ना बोलने वाले नहीं मिले. जब मैं अपना डेंटल फिनिशिंग स्कूल भी चलाती हूँ, जहाँ डॉक्टर्स आते हैं मुझसे काम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉल दैट, उनको कोई भी टास्क में देती हूँ, और स्टार्टिंग में जो लोग ज्वाइन किए हुए रहते हैं, वो लोग ये कहते कि नहीं मैम नहीं होगा, मैं स्ट्रेट बोलती हूँ निकल तू मेरे चेम्बर से, निकल जा मेरे इंस्टीट्यूट से, निकल जा, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में और तुम सब करो, गलती करो, ये करो वो करो सब करो, लेकिन ना मत बोलो. दिस नो वर्ड आई जस्ट हेट, स्पेशली ड्यूरिंग वर्क. अगर आप काम कर रहे हैं और आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, पहले ही हार के बैठ जा रहे हैं, तो आपसे वो कभी नहीं होगा, है ना. तो आप भी ना बोलना बंद करें, और अपने साथियों को भी ना बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए प्रेरित करें, और ना बोलना कम करवाएं या बंद करवा दें. वही चीज़ को मैं रिलेट करके बोल रही हूँ कि अगर कोई भिखारी बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वो नीडी ही नहीं है. क्योंकि देखिए, सरकार ने 1 रुपये चावल 2 रुपये चावल ऐसे, ये भत्ता वो भत्ता, फ्री स्कूलिंग, फ्री प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन सब कुछ करके रखे, तो मसला क्या है भाई, भेजो. एंड एज वी ऑलवेज सी कि 3 इडियट्स में बोला भी गया, स्कूल जाने के लिए क्या लगता है, यूनिफॉर्म. तो वन कैन ट्राई दैट ऑल्सो. एनी वेज, कहने की बात यह है कि अगर किसी की सच में इच्छा रहे तो वो कर सकता है. ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, मंशा होनी चाहिए. सो ये ना बोलने वाले कि मुझे ये काम नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा ये काम, ये हाथ खड़ा कर देने वाले लोग जो है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड दिस नो वर्ड इन द वर्क फील्ड इज़ अ बिग, यू नो, एनिमी फॉर एवरीबडीज प्रोग्रेस, इन द पाथ ऑफ एनीबडीज प्रोग्रेस. ठीक है, सो ये बोल के मैं ख़त्म करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कल मैंने जो व्लॉग डाला था, दैट हैड गिवन मी एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड. पीपल वॉच इट, पीपल सी इट. आई नो दीज आर, आई एम नॉट सम लाइफ कोच, सम मैया, सम बाबा. नो, मैंने कोई धुनी रमा के माला वगैरह पहन के नहीं बैठा है. ये सिर्फ मैं हूँ, आप हैं. आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए किस बारे में मुझे बोलना है, आप बोल सकते हैं, आपके सुझाव बहुत वेलकम है. और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है. मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो डाल रही हूँ लोग कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वे चाहते हैं कि मैं कुछ बात पर बोलूँ. प्लस मैं ये भी चाहूँगी कि मैं फर्दर लाइव भी करूँ. सो हाँ, सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगैन. दिस इज़ डॉक्टर सुकीति साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई क्लिनिक. एंड यू स्टे वेरी गुड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. लॉट्स ऑफ लव.